बोल तो पहली मैच ना हेलो भाई बॉलर जयदीप सागर चलिए सागर रमेश गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के बनने लेश चैंपियन ऑफ चैंपियन जीपीएल सीजन वन का चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए 88 रनों का लक्ष्य है टारगेट है यहां से निलेश ऑन स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक अ बैट्समैन जॉन्टी पहली गेंद राइट हैंड राउंड ऑफ विकेट सागर की लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निलेश के लिए लास्ट प्ले वर्फल टॉस और पहली गेंद देखिए दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर का इशारा वाइड बॉल चले महक चैलेंजर्स का खाता खुला है सरकारी रनों के साथ पेश एक बार देखिए नौ बॉल का इशारा अंपायर का नौ बॉल करा दी गई यहां पर यानी कि गेंद अब फ्री हिट होगी यहीं से बल्लेबाज कहीं भी बल्ला चला सकते हैं खुलकर खेल सकते हैं यहां नीलेश नाम का बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर
कदमों का इस्तेमाल किया है, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को हवाई अड्डा की ओर भेजा है और गेंद निकली है वन बाउंस फोर रन, दैट्स अ बाउंड्री। Fantastic Four, sponsored by Expert Akhni Hospital, honored by Dr. Shruti Vipul Bhai Gajera. चले चौके के साथ यहाँ पर नीलेश ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा, छह के ऊपर पहुंचा है। इस बार अफसम का छोटी गेंद थी, देखिए अपील हुई थी, अंपायर ने नकारा था, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, फिर से एक बार चलिए महेक चैलेंजर्स के खाते में सरकारी रनों की बढ़ोतरी होती, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ लकी सेवन के ऊपर पहुंचा है। चलिए बेहतर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, यहां पर बढ़िया प्लेसमेंट। चलिए बेहतर शॉट, इस बार देखिए रिफ कवर के ऊपर से बेहतर शॉट खेला है, गेंद के पीछे फील्डर भागे, दो की मांग की है, दो रन आसानी के साथ पूरे किए, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। श्री नौ के ऊपर पहुंचा है विदाउट लॉस महेक चैलेंजर्स। लोअर फुल टॉस, इस बार बल्लेबाज भी चुके, विकेट कीपर भी चुके, लेकिन शॉट में होल्ड लेके खड़े, बेहतर फील्डिंग है नजाकत, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद घुसा देवी। ये अच्छी गेंद थी, रन के लिए भागे, अच्छी की सिंगल के भाई कवर की दिशा में खेला गया शॉट और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर चलिए बिल्कुल यहां पर जिस प्रकार की डॉल लगाई थी जैसे पीछे कोई भाग रहा हो, उनके बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा है 10 कदम बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए ऑन टाइम खेला है, एक रन के लिए भागे जरूर थे, कोशिश जरूर की थी, लेकिन बहुत अच्छा कॉल यहां पर क्योंकि फील्डर्स काफी नजदीक थे, यहां अच्छी फीलिंग की नजाकत। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर, महेक चैलेंजर्स का ये स्कोर है। चलिए चैरी वाह है गेंदबाजी में, टूर्नामेंट के सबसे अव्वल नंबर के गेंदबाज है, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज है ये, और एक मैच में 7 विकेट चटकाने वाले पहले ऐसे गेंदबाज बने इस टूर्नामेंट के, और हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऐसे गेंदबाज ये, टूर्नामेंट की सबसे पहले हैट्रिक बल्ले ने ली थी। शॉट ऑफ लेंग गेंद थी, ऑनसाइड की दिशा में खेला, फाइन की दिशा में गेंद जाती, बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग की नजाकत, यहां पर चले गेंद को रोका था लेकिन फील्डर जेपी गेंद को ढूंढते रह गए, यहां पर चलिए 1 रन पूरा किया। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंदबाजी यहां पर देखिए, सटीक गेंदबाजी की शुरुआत हुई है, पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी इन्होंने, 7 विकेट चटकाए थे और सिर्फ 6 रन दिए थे अपने स्पेल में। लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में स्क्वायर के दिशा में गई है, फील्डर हरकत में आते हुए आसानी के साथ पहला रन पूरा किया है, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता 12 के ऊपर पहुंचा है, लेकिन 12 अभी बजे नहीं, अभी सिर्फ 11:15 बजे हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, 31 रनों का इजाफा, महेक चैलेंजर्स के खाते में सरकारी रनों की बढ़ोतरी होती हुई। इस बार खेला है बेहतर शॉट खेला है, गेंद के पीछे फील्डर भागे, बैकअप में स्क्वायर की दिशा से फील्डर हरकत में आए हैं लेकिन 1 रन से रोक पाएंगे, यहां पर चले नीलेश को
एक रन पूरा किया, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 14 के ऊपर पहुंचा है। टूर्नामेंट की सबसे पहली सेंचुरी सुनील नाम के बल्लेबाज ने लगाई, दूसरी सेंचुरी अतुल नाम के बल्लेबाज ने लगाई। ये बेहतर गेंद थी, अच्छी गेंद थी यहां पर, चलिए और सबसे हाईएस्ट रन भी अतुल कजेरा के ही है एज अ बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में। चलिए बेहतर शॉट ऑन स्ट्राइक की दिशा में, गेंद बल्ले पे जरूर आई थी, डाउन टू ग्राउंड शॉट खेला, फील्डर वहां पर तैनात थे जब तक गेंद को कलेक्ट करते, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन भी पूरा किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिलता है दोनों ही बैटर के बीच में, कॉलिंग बढ़िया है, तालमेल बढ़िया है और आसानी के साथ एक रन भी पूरा किया। चलिए दो ओवर का खेल पूरा हुआ है, दो ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 60 गेंदों का खेल बचा है, 60 गेंदों में 73 रनों की जरूरत है यहाँ। चलिए शॉट खेला है इस बार, स्ट्राइक की दिशा में गेंद गई, फिल्डर वहां पर हरकत में आए जरूर। चलिए नेक्स्ट ईयर के लिए 14 टीमें हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर के लिए सीजन 2 के लिए, जेपीएल सीजन 2 के लिए 14 टीम हो चुके हैं। अरे भाई सर्कल ने टीजी ओवर छे, चार ओवर तो 90 बॉल आपवानो होय ने भाई नियम प्रमाणे। पहली चार ओवर तो 90 बॉल आवे ने तो पछी चलिए अच्छी गेंद थी यहां पर, ये बेहतर गेंदबाजी और चलिए कॉट बिहाइंड यहां पर बाहर है किनारा और विकेट का पतन होता हुआ पहला विकेट यहां पर 16 रनों के ऊपर। ये गया विकेट, वंडर विकेट, विकेट स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ऑनर बाय डॉक्टर विभाबेन विपुल भाई गजेरा।
चलिए बेहतर शॉट इस बार देखिए आते ही जैक ने बेहतरीन शॉट प्राप्त किया बट दैट्स अ बाउंड्री। चले चौके के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा 20 के ऊपर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर। चलिए अच्छी गेंदी यहां पर देखिए ये बेहतर गेंदी गेंद गुजर थी जगह बनाई कोशिश की थी यहां पर गली के बीच से खेला जाते हैं यहां पर जैक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं 20 रन बने एक विकेट के नुकसान पर 56 गेंदे और 60 रनों की जरूरत है। चले इस बार चुके हैं फील्डर चुके हैं गेंद तेजी के साथ थर्ड मैन की दिशा में जाती है और ये सुपर बाउंड्री यहां पर चलिए दैट्स अ सुपर फोर चौका फैंटास्टिक फोर स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट आंखनी हॉस्पिटल ऑनर बाय डॉक्टर श्रुति विपुल भाई गजेरा। चले चौके के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता 24 के ऊपर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर। चलिए बेहतर गेंद रन के लिए भागे जरूर जयदीप आए हैं वापस गेंदबाजी में सिंगल रन पूरा किया टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 25 के ऊपर पहुंचा 25/1। चलिए बेहतर शॉट इस बार देखिए फ्रंट स्क्वायर की दिशा में खेला गया शॉट यहां पर फील्डर स्क्वायर लेके हरकत में आते हुए आसानी के साथ एक रन पूरा किया यहां पर जैक ने टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा 26 के ऊपर पहुंचा है। चलिए पैरल शॉट इस बार गेंद हवा में थी बहुत अच्छी फील्डिंग बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन के फील्डर्स के द्वारा सिंगल से नहीं रोक पाएंगे आसानी के साथ एक रन पूरा किया टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 27 के ओवर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर पारी का 51 गेंदों का खेल बाकी 51 गेंदों में 100 रनों की और जरूरत महक चैलेंजर्स को। चलिए अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल 31 रनों का इजाफा टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 28 के ऊपर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर पारी का ये।
जे गया चौका। चले बैटलशिप शॉट खेला था यहां पर, छोटी सी मिसफील हुई थी और आसानी के साथ एक रन पूरा किया। टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा, 34 के ऊपर पहुंचा, 34/1। चले 49 गेंदे, 54 रन चाहिए। ये बेहतर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, रन के लिए भागे, कॉल किया पर चले आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन भी पूरा किया। चलिए बेहतर कॉलिंग, बढ़िया तालमेल यहां पर, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस सिंगल के 60 ओवर की भी समाप्ति हुई है। चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बने एक विकेट के नुकसान पर, 35/1। बेहतरीन 48 गेंदों का खेल बचा है, 48 गेंदे, 53 होने की जरूरत, 48 बॉल रिक्वायर्ड टू 53 रन टू विन, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए यहां पर मैक चैलेंजर्स को। चलिए अखिल आया है गेंदबाजी में, लताम गेंदबाज को लाया गया इस छोर से। चलिए बेहतर गेंद थी, पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, रन के लिए भागे हैं और ये बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर अंपायर विनोद पटेल का इशारा लेख भाई का हुआ है, खतरा जरूर हुआ था, रन के लिए भागे हैं, लेकिन तालमेल काफी बेहतर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एक रन के साथ टीम का स्कोर भी आगे बता, 36 के ऊपर मजा, जैक स्ट्राइक के ऊपर आए हैं और बेहतरीन कॉम्बिनेशन विकेट के ऊपर लेफ्ट एंड राइट एंड बल्लेबाजों का। चलिए अच्छी गेंद थी यहां पर, देखिए रन के लिए भागना चाहते थे, डॉट गेंद गुजरती हुई। काफी शानदार मुकाबला, फाइनल मुकाबला, 36 महक 11, जीत के लिए 46 गेंदों में 52 रन की जरूरत। इस इनिंग का पांचवा, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अखिल फिर से एक बार अपने रनअप के साथ हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, रन आउट का खतरा, आसानी से एक रन पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। फिर से एक बार निकुंज के लिए अखिल छोटे कदमों के साथ, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े, आसानी से 2 रन पूरे, तीसरे के लिए भी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। फिर से एक बार अखिल टू जैक, हेलो
ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद महक इलेवन 40 रन एक विकेट जीत के लिए 42 गेंदों में 48 रन की जरूरत। इस इनिंग का छठा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर यतीन स्ट्राइक पर जॉन्टी। अपने कोटे का पहला और पे उठाकर खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद हवा में, अंपायर का इशारा 6 रन, काफी बढ़िया शॉट। सिक्सर एचआर ट्रॉनिक्स का सुपर सिक्सर स्पॉन्सर्ड बाय एचआर ट्रॉनिक्स ऑनर बाय नरेंद्र भाई गजेरा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, काफी बढ़िया शॉट निकुंज द्वारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। फिर से एक बार यतीन फुल टॉस गेंद, बैट और बॉल का संग अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी लेग स्टंप के बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। फिर से एक बार कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये गया चौका, फैंटास्टिक फोर स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट आंखनी हॉस्पिटल ऑनर बाय डॉक्टर श्रुति विपुल भाई गजेरा। इस चौके की मदद से महक इलेवन के 50 रन पूरे होते हुए 51 वन विकेट। काफी बढ़िया बॉलिंग वापसी करते हुए यतीन, लगता नहीं है महक इलेवन खुश है इस 50 रन से। फिर से एक बार छोटे कदमों के साथ काफी लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। फिर से एक बार उठाया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, वन बाउंस फोर। ये गया चौका, फैंटास्टिक फोर स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट आंखनी हॉस्पिटल ऑनर बाय डॉक्टर श्रुति विपुल भाई गजेरा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 वन विकेट बाय महक इलेवन। फिर से एक बार अपने छोटे कदमों के साथ यतीन, फिर से कट किया है, वहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, आसानी से एक रन पूरा किया इस एक रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। स्ट्राइक पर जैक, फील्डिंग सजाते हुए यतीन। काफी बढ़िया शॉट, वन बाउंस फोर, ओवर की समाप्ति। ये गया चौका, फैंटास्टिक फोर स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट आंखनी हॉस्पिटल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 वन विकेट लॉस बाय महक इलेवन, 36 गेंदों में 27 रन की जरूरत। प्लीज एक अपना घसीरा परिवार संगठन सूरत एक खास एक बहुत ही बात है जो आप सबने सामने मुकवा जाइ रह्यो छू।
गजेरा परिवार संगठन सूरत शिक्षण आरोग्य ने किटनी सहाय आपती पांच वर्ष थी जूनी संस्था गजेरा परिवार संगठन परिवार ना दाता श्री चीनुभाई गजेरा शांताबेन हरिभाई चैरिटेबल ट्रस्ट रमेश भाई गजेरा भक्ति इंटरनेशनल स्कूल दास भाई गजेरा सोमनाथ इंडस्ट्रीज संजय भाई गजेरा खेडुभार चंदुभाई गजेरा गाम भिंगरा गजेरा परिवार ना कमिटी सभ्यों राजेश भाई गजेरा गाम सरबंदा मुकेश भाई गजेरा गाम लाखापादर संजय भाई गजेरा गाम मांगवा पाव दाताश्री अने कमिटी सभ्यों द्वारा गजेरा परिवार संगठन आ एप्लिकेशन बहार पाड़वामां आवी छे। तो गजेरा परिवार ना दाताश्री दास भाई गजेरा नो सन्मान कमिटी सभ्यों मुकेश भाई गजेरा करशे संजय भाई गजेरा अने साथे राजेश भाई गजेरा तेनु सन्मान करशे। चलिए आपने तालियों थी बधाई लिए प्लीज तालियों वागवी जो ये क्लैप थवी जो ये एप्लीकेशन नो काउंटडाउन आपने जो एलईडी स्क्रीन लागी छे इन्हीं ऊपर बताओ माउसे गजेरा परिवारना तमाम सभ्योनो जे डेटा कलेक्ट करवा माटे आपणे जे एप्लिकेशन बनावेली छे गजेरा परिवार ए डाउनलोड करवा माटे सौप्रथम तो तमारे प्ले स्टोर मां जवानुं रहेशे। त्यां जईने तमारे गजेरा परिवार एम सर्च मारशो एटले अहीं आपणो जे गजेरा परिवारनो लोगो छे એ આવી જશે। એના પર તમારે ક્લિક કરીને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું રહેશે। આ એપ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય ડાઉનલોડ થઈ જાય પછી તમારે ઓપન બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીં સૌપ્રથમ વાર તમે એપ ખોલેલી છે એટલે તમારા ઘરના જે મેઇન વ્યક્તિ છે એના નંબરથી તમારે સૌપ્રથમ વાર રજીસ્ટર કરવાનું રહેશે। આ રજીસ્ટ્રેશન છે એ ઘરના જે મેઇન વ્યક્તિ છે એના નંબરથી જ કરવાનું રહેશે। બાકીના સભ્યોને આ રજીસ્ટર કરવાની જરૂર નથી, એ ઘરના જે મેઇન વ્યક્તિ છે એના નંબરથી એ લોગિન કરી શકે છે। એટલે ઘરના બધા સભ્યોને રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું નથી, પરંતુ જે ઘરના જે મેઇન વ્યક્તિ છે એને પોતાનો નંબર આ રીતે રજીસ્ટર કરવાનો છે। અહીં સૌપ્રથમ સરનેમ આપેલું છે જે બાય ડિફોલ્ટ આવી જ જશે ગજેરા। હવે નેક્સ્ટ છે નેમ, જ્યાં તમારે પોતાનું નામ અને તમારું ફાધરનું નામ એટલે કે તમારે આખું નામ અહીં લખવાનું રહેશે। હું અહીં લખું છું મુકેશભાઈ, પછી એમના ફાધરનું નેમ બાબુભાઈ।
ત્યારબાદ નીચે છે ડેટ ઓફ બર્થ, એટલે કે એમની જે જન્મ તારીખ હોય એ તમારે એડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ એમનો જે ફોન નંબર છે, મેઇન વ્યક્તિનો જે આપણે જેના નામે આપણે રજીસ્ટર કરીએ છીએ એમનો ફોન નંબર તમારે એડ કરવાનો રહેશે. પછી નેક્સ્ટ, એ વ્યક્તિ જે બિઝનેસ કરે છે અથવા તો જે સ્ટડી કરતા હોય એ વસ્તુ તમારે અહીં નોંધ કરવાની રહેશે, લખવાની રહેશે. પછી છે જેન્ડર, જે તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે મેલ અથવા તો ફિમેલમાંથી. પછી નીચે આપેલું છે ડિસ્ટ્રિક્ટ, એમાં તમે જે જિલ્લાના છો એ જિલ્લો તમારે અહીં જઈને સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. અને અહીં નીચે આપેલું છે વિલેજ, ત્યાં તમે તમારું જે ગામ છે, તમે જે ગામના છો એ ગામ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. હું લાખાપાદરની છું એટલે હું અહીં લાખાપાદર સિલેક્ટ કરીશ. હવે અહીં તમારું જિલ્લાનું નામ અથવા તો ગામનું નામ નહીં આવેલ હોય તો તમને અહીં જે નીચે નંબર આપેલો છે એમાં તમારે તમારા જિલ્લાનું નામ અને ગામનું નામ લખીને મોકલી દેવું, જેથી એ આ એપમાં પછી એડ થઈ જશે. હવે નીચે આપેલું છે કરંટ સિટી, એટલે કે તમે હાલમાં જે સિટીમાં રહેતા હોય, તમે જે ગામમાં રહેતા હોય એનું નામ તમારે અહીં લખવાનું રહેશે. હું અત્યારે સુરત સિટીમાં છું તો એ લખવાનું છે. પછી નીચે જે રજીસ્ટરનું બટન આપેલું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીં નોટિફિકેશન આવી જશે સક્સેસફુલી રજીસ્ટર. હવે ત્યારબાદ હવે તમારે અહીં લોગિન આપેલું છે તો ત્યાં તમે જે નંબર એડ કરેલો છે એ તમારે અહીં ટાઈપ કરવાનો રહેશે. હવે નીચે જે પાસવર્ડ છે એ બધાનો પાસવર્ડ છે ને સેમ જ રહેશે, ગજેરા એટ ધ રેટ 123, કેપિટલ જી એ જે ઈ આર એ એટ ધ રેટ 123. આ તમે ટાઈપ કરશો પછી અહીં નીચે જે સાઇન ઇનનું બટન આપેલું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે અહીં એપમાં અંદર આવી જશો. હવે અહીં તમને જિલ્લાના નામ આપેલા છે ત્યાં તમારું જે જિલ્લાનું નામ છે ત્યાં તમારે સિલેક્ટ કરીને, પછી અહીં ગામના નામ છે, તમે જે ગામના છો એ ગામ તમારે અહીં સિલેક્ટ કરવાનું છે. અહીં આપણે લાખાપદર છે તો ત્યાં સિલેક્ટ કરશું એટલે અહીં તમારા ગામના જેટલા પણ ગજેરા પરિવારના સભ્યો હશે, વ્યક્તિઓ હશે, એની ડિટેલ્સ તમને અહીં મળી જશે. આપણે મુકેશભાઈ બાબુભાઈ ગજેરા લખેલું હતું એ નામથી રજીસ્ટર કરેલું હતું તો એ પણ આવી જશે. અને તમારા ગામમાં જેટલા પણ ગજેરા પરિવારના સભ્યો છે એના નામ પણ તમે અહીં જોઈ શકશો. એ જ રીતે અલગ અલગ ગામના જે ગજેરા પરિવાર, અલગ અલગ ગામમાં જે આપણા ભાઈઓ છે ગજેરા પરિવારના, એ તમારે જોવા હોય તો ત્યાં તમે ગામ પર ક્લિક કરશો એટલે ત્યાંના જે ગજેરા પરિવારના જે વ્યક્તિઓ હશે એના નામ તમને ત્યાં બતાવશે. હવે અહીં નીચે સાઇડમાં આપેલું છે પ્રોફાઇલ. હવે તમારે તમારી પ્રોફાઇલમાં કંઈ ચેન્જીસ કરવા હોય, કંઈ ચેન્જ કરવા હોય તો તમે અપડેટ પ્રોફાઇલ છે તેના પર ક્લિક કરીને ત્યાં તમારે જે ચેન્જીસ લાવવા હોય, તમારો નંબર બદલવો હોય કે તમારું કરન્ટ સિટી બદલવું હોય તો તે તમે ત્યાં જઈને ચેન્જ કરી શકો છો. અને પછી નીચે જે અપડેટનું બટન છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે એ ચેન્જીસ આવી જશે. હવે અહીં નીચે આપેલું છે વ્યૂ યોર મેમ્બર, તો ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું અને ત્યાં હવે અહીં નીચે જે પ્લસની સાઇન છે તે ક્લિક કરશો એટલે અહીં તમારે જે તમારા ઘરના જેટલા પણ સભ્યો છે એ બધા જ સભ્યોની ડિટેલ તમારે અહીં ફિલઅપ કરવાની છે. સરનેમ બાય ડિફોલ્ટ આવી જવાનું છે ગજેરા. હવે તમારા ઘરનો જે સભ્ય છે, અન્ય સભ્યો છે એની ડિટેલ તમારે અહીં ફિલઅપ કરવાની છે. એનું જે નામ છે એ આખું નામ લખવાનું છે. એમની જે ડેટ ઓફ બર્થ છે, એમની જે જન્મ તારીખ છે એ તમારે એડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ એ સ્ટડી કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, જોબ કરતા હોય, જે પણ કરતા હોય એની તમારે ડિટેલ અહીં લખવાની રહેશે. જેન્ડર સિલેક્ટ કરી લેવાની અને ત્યારબાદ એ જે સિટીમાં રહે છે, જ્યાં જોબ કરે છે, જ્યાં બિઝનેસ કરે છે એ સિટી અથવા તો ગામનું નામ લખવાનું રહેશે. જો એ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી હોય, એટલે કે બહાર હોય, બીજા કોઈ દેશમાં હોય તો એ નામ લખવાનું રહેશે, જેમ કે કેનેડા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, કંઈ પણ. ત્યારબાદ અહીં જે એડ મેમ્બર છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરી દેશો એટલે એ મેમ્બર તમારો એડ થઈ જશે. એ જ રીતે તમારા ઘરના જેટલા પણ સભ્યો છે એ બધાની ડિટેલ્સ તમારે આ રીતે ફિલઅપ કરવાની રહેશે. હવે આ જે માહિતી છે
એક ગજેરા પરિવારનો જે ડેટા છે એમાં સેવ થઈ જશે. આ માહિતી બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિને બતાવવામાં આવશે નહીં. આ તમે અને એક ગજેરા પરિવારનો જે ડેટા છે એમાં સેવ થઈ જશે. બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ આ માહિતી જોઈ શકશે નહીં. ત્યારબાદ હવે ત્યાંથી બહાર નીકળશો એટલે અહીં નીચે આપેલું છે હેલ્પ એન્ડ સપોર્ટ. તો તમારે કોઈ પણ મદદની જરૂર હોય કે તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કે તમારી કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે અહીં જે નીચે નંબર આપેલો છે એ છે રાજેશભાઈ ગજેરાનો. એ નંબર પર તમે કોલ કરીને તમારે જે મદદની જરૂર હોય, તમારા જે પ્રશ્નો હોય એને તમે સોલ્યુશન લાવી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ છે આપણું અહીં નીચે સાઈડમાં આપેલું છે ઇન્ફોર્મેશન. તો ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે સૌ પ્રથમ આવશે ટેમ્પલ. તો એ ટેમ્પલ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણે જે માખીયાળા ગામ છે ત્યાં કાના બાપાનું મંદિર આવેલું છે તેના જે ફોટાસ છે એ તમે અહીં જોઈ શકશો. ત્યાં અવારનવાર આપણે અહીં ફોટાસ ચેન્જીસ થતા રહેશે. તો તમારે એ ફોટા જોવા હોય તો તમે આ ટેમ્પલ પર જઈને એ ફોટા જોઈ શકો. હવે નેક્સ્ટ છે અચીવમેન્ટ. તો આપણા ગજેરા પરિવારના કોઈ બાળકે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય અથવા તો આપણા ગજેરા પરિવારનું કોઈ નામ રોશન કર્યું હોય તો એ બધી માહિતી આ અચીવમેન્ટમાં તમે જોઈ શકો છો. પછી નીચે આપેલી છે નોટિસ અને નોટ. તો આપણા ગજેરા પરિવારનું કોઈ સ્નેહ મિલન હોય કે કોઈ પ્રોગ્રામ આપણા ગજેરા પરિવાર આયોજન કરતો હોય તો તેની માહિતી તમને આ નોટિસ અથવા તો નોટમાં તમને મળી જશે. ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગજેરા પરિવારનું કોઈ પ્રોગ્રામનું આયોજન થયેલું હોય, કોઈ સ્નેહ મિલન યોજાવાનું હોય તો તેની જાહેરાત તમને આ નોટિસમાં મળી જશે. હવે અહીં હોમ પર જઈને અહીં સાઈડમાં જે ઇમેજનું બટન છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીં તમને છે ને આપણા દરરોજના કોઈ સુવિચાર છે અથવા તો તહેવારના વાર તહેવાર આપણે આવતા હોય તો એમના જે ફોટાઓ છે તો એ તમે અહીં જોઈ શકો છો. અને અહીં નીચે જે બટન આપેલું છે ડાઉનલોડ, એ ડાઉનલોડ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે એ ફોટો તમે તમારી ગેલેરીમાં સેવ પણ કરી શકો છો. જેથી તમારે તમારા સ્ટેટસ મૂકવું હોય, સ્ટોરી મૂકવો હોય એ ફોટાની, તો તમે આરામથી એ ફોટો મૂકી શકો છો. જો અહીં નોટિફિકેશન પણ આવી જશે કે આ ફોટો તમારા ગેલેરીમાં સેવ થઈ ગયો છે. તમારા બાળકોના, આપણા જે ગજેરા પરિવારના બાળકોનો જે સેમિનાર છે, એમના જે રિઝલ્ટ છે, જે કોઈ પણ સ્કોલરશિપ હોય તો એમની યોજનાઓ છે, અથવા તો આપણા ગજેરા પરિવારનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હશે તો તેની માહિતી આ એપની નોટિફિકેશન દ્વારા તમે મેળવી શકશો. એટલે ફરજિયાતપણે તમારે આ એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. જો તમે આ એપ ડાઉનલોડ નહીં કરો તો તમને આ માહિતી મળશે નહીં. એટલે તમારા ગજેરા પરિવારના સભ્યો સાથે જોડાવા માટે, એમના આપણે જે આ ડેટા કલેક્ટ કરવા માટે આપણે જે આ એપ બનાવેલી છે એ એપને તમારે ફરજિયાત ડાઉનલોડ કરવી, જેથી તમે ગજેરા પરિવારનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ પણ માહિતી હોય એ તમે આ એપ દ્વારા મેળવી શકશો. આ એપ્લિકેશન છે તે ગજેરા પરિવારના દીકરા જયદીપ મુકેશભાઈ ગજેરા અને મીટ રમેશભાઈ, આ બે ભાઈ પરિવારને ફ્રીમાં આ એપ્લિકેશન બનાવીને આપી છે. તો આ બે દીકરાનું ગજેરા પરિવારના દાતાશ્રી ચિનુભાઈ ગજેરા તરફથી સન્માન કરવામાં આવે છે અને ખરેખર બહુ સારી વાત છે કે એક સમાજમાં એક બહુ જ સારું કામ કર્યું છે આ બંને ભાઈએ. તો આપણે એને તાલીઓથી વધાવી લઈશું અને એમને સન્માન આપીશું. અને ચલો આપણે આ ફાઇનલ મેચ તરફ આગળ વધીશું. ચલીએ અમારે ટીમ કે પ્લેયર્સ, ફિલ્ડિંગ પ્લેયર્સ જલ્દ સે જલ્દ અપની પોઝિશન લે લે. Thank you.
चलिए कुछ ही सन और कुछ ही लम्हे बाकी है इस टूर्नामेंट के जीपीएल सीजन वन के। कौन चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा? 35 गेंदों का खेल बचा है, 26 रनों की दरकार यहां से चाहिए और कप्तान स्ट्राइक के ऊपर है जैक यानी कि जयदीप। चलिए इस टूर्नामेंट में जिन्होंने मुझे आगमन करवाया लाइव स्पॉट के भावेश भाई की वजह इस टूर्नामेंट में मैं अवेलेबल हूं यहां पर। यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट गजरा फेमल लिंग सीजन वन आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है। कौन चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा? जब समाज की बात आती है अपनों से अपनों का खेल होता है, अपनों से अपनों का मिलन होता है। आज चाहे जीत किसी की भी हो लेकिन जीत आज गजरा परिवार की होगी, गजरा समाज की होगी। अखिल की गेंद और ये बेहतर गेंद थी, चतुरा बड़ा शॉट खेला है, पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, गथर गली के फील्डर हरकत में आते हैं आसानी के साथ, जैक ने एक रन भरा गया, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा और 63 के ऊपर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर, 6.2 ओवर पारी का ये। चले राइट हैंड बल्लेबाज जॉन्टी स्ट्राइक के ऊपर है, 17 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये जेके बैटरशिप शॉट खेला है, बेहतर शॉट खेला, चतुरा बड़ा शॉट कैच, पहले के शॉट में गेंद गई, पहला रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज है, जब तक बल्लेबाज फील्डर गेंद को कलेक्ट करते, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता है, 64 के ओवर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर, 6.3 ओवर पारी गए, 33 गेंदे, 24 रनों की आवश्यकता पर चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए महक चैलेंजर्स को। चले पहले विकेट गिरने के बाद इस दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल कर रखा है। फ्लाइटेड गेंद के उजाला है, बेहतर शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गए, फील्डर वहां पर तैनात है, अच्छी फील्डिंग यहां पर चलिए, एक रन से रोक पाएंगे यहां पर जयदीप को, आसानी के साथ एक रन पूरा किया, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। चलिए कवर की दिशा में खेला जरूर था शॉट, यहां पर रन के लिए भागना चाहते थे, बेहतर कॉलिंग यहां पर, बढ़िया कॉल, बढ़िया तालमेल दोनों ही बैटरों के बीच में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चलिए अच्छी गेंद थी और ये चले मिसफील हुई यहां पर, गेंद जल्दी कवर की दिशा में, फील्डर हरकत में, बहुत अच्छी फील्डिंग की नजाकत, यहां पर गेंद को रोका जरूर लेकिन दो रन से ही रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को, आसानी के साथ दो रन पूरे किए, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा। चले इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले 7 ओवर का खेल पूरा हुआ, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बने, 30 गेंदे, 21 रन चाहिए अब यहां से चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए जीपीएल सीजन वन के। चले महक चैलेंजर्स के सत्यम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, वैसे वो स्वप्ना स्पार्टन्स के प्लेयर थे लेकिन आज पिछली हार के बाद पापा की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। सागर गेंदबाजी में सागर रमेश भाई गजेरा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जैक स्ट्राइक के ऊपर, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बोला शॉट खेलने की कोशिश की थी यहां पर, चलिए गेंद और बल्ले की संगम हुआ नहीं था, हेड के साथ गेंद टकराई थी यहां, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद को साथ हुई। ये अच्छी गेंद थी यहां पर, देखिए जिस प्रकार का शॉट खेलने की कोशिश की यहां पर जैक ने, मेरा नजरिया तो यही कहता रहा इस गेंद के ऊपर कवर ड्राइव खेलते हो यहां पर सिंगल रन बटोर सकते थे, गेंद बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट होती। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद है, लेग स्टंप का छोटी गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, चले यहां से 31 रनों का इजाफा मिलता हुआ, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 80 के ऊपर, 68 के ऊपर पहुंचा है 68/1।
चलिए अच्छा शॉट, बेहतर शॉट, अच्छे फील्डिंग, रन के लिए भागे है, रन पूरा किया है, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 69 के ऊपर पहुंचा है, 69/1। इस बार उड़ता हुआ शॉट, यहाँ पर शॉट फेंक के दिशा में खेलेगा, शॉट विकेट के बैठे जी भागे, स्क्वायर के फील्डर हरकत में भागे, यहाँ पर दो रन की मांग के धोखे निकल पड़े, जब तक फील्डर ठो करते यहाँ पर गेंद को रोकने ना कहा, गेंद गई बाउंड्री लेंगे, बहुत सुपर फॉकर टच ऑफ बाउंड्री, यहाँ पर टच ऑफ गुड शॉट, ये गया चौका। फैंटास्टिक फोर स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट आंखनी हॉस्पिटल, ओनर बाय डॉक्टर श्रुति विपुल भाई गजेरा। चलिए पुरानी गेंद यानी कि दूसरी गेंद यहाँ पर देनी पड़ेगी है नहीं, और गेंद चलिए बॉल आगे ही थी यहां पर, अब सिर्फ 15 रन चाहिए यहां पर, 26 गेंदे 15 रन की जरूरत है चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए यहां से। सिर्फ 15 रन चाहिए यहां, चलिए अच्छी गेंद थी यहां पर, सिंगल एंड बटर ऑन साइड की दिशा में, इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 74 के ऊपर पहुंचा है, 25 गेंदे 14 रन चाहिए, चलिए अच्छा शॉट इस बार, कवर पॉइंट के बीच से खेला गया शॉट, आसानी के साथ एक रन भी पूरा गया, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 75 के ऊपर पहुंचा है। चलिए एक बहुत अच्छी खबर है महेश चैलेंजर्स के लिए, अगर आज महेश चैलेंजर यहाँ पर चैंपियन ऑफ चैंपियन बनती है तो थकान को दूर करने के लिए दो दिन तक साबूदाना में ट्रिप मिलने वाली है, और इस चैंपियंस का चैंपियन टीम होती है तो चैंपियन का सेलिब्रेशन करने के लिए अवध उठोपिया में पार्टी दी जाएगी यहाँ पर महेश चैलेंजर्स टीम के ऑनर के द्वारा, और साथ साथ में सत्यम भी जुड़ेंगे वहां, सत्यम पीछे नहीं रहेंगे, सत्यम को लेके जाना पड़ेगा आपको लगातार क्वार्टर फाइनल मैच से, आपकी पानी की भूमिका अच्छी निभा रहे पूरी तरह से, सब कुछ लाके उन्होंने दिया है। चलिए जयदीप गेंदबाजी में, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद इस बार फाइन की दिशा में शॉट खेला है, फील्डर वहां पर है, रखा गया है, अच्छी फील्डिंग वहां, चले सिंगल से नहीं रोक पाएंगे जैक को, आसानी के साथ एक रन पूरा गया, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 76 के ऊपर पहुंचा है, कुछ ही लम्हे दूर है, सिर्फ 12 रन दूर है यहां से बहक चले चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए। चलिए शॉट बड़ा के लिए कोशिश की थी, रन के लिए भागना चाहते थे, टहना थे यहाँ पर, डायरेक्ट रो लगा है, रन के लिए निकलेगे जरूर अब, और चलिए आसानी के साथ ये रन भी पूरा किया है, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ अब 11 रन चाहिए यहाँ पर जीत के लिए, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए, 22 गेंदे 11 रन। चलिए और ये बेहतर कैच, यहां से विकेट का पतन होता हुआ, जैक चलते बने, कप्तान का विकेट गिरा यहां पर, ये गया विकेट, वंडर विकेट, विकेट स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ऑनर्ड बाय डॉक्टर विभाबेन विपुल भाई गजेरा। कैचर नेम प्लीज, सागर, सागर रमेश भाई, निकुंज, विमल,
चलिए रन के लिए भागे यहाँ पर तेजी के साथ, ये रन पूरा यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया रनिंग बैटमैन विकेट्स हिताज के द्वारा। इस सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, हिताज ने अपना खाता खोला, 78 के ऊपर पहुंचा स्कोर, 20 गेंदे 10 रन चाहिए यहां से जीत के लिए, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए। अच्छी गेंद यहां पर, चलिए ये बेहतर गेंद थी यहां पर जॉन्टीना, जिस प्रकार के बल्लेबाजी किए बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ बल्लेबाजी के, 24 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक छोर को संभाल कर रखा, अच्छी बारी खेली यहां पर टीम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद यहां पर, चौथा बार शॉट के लिए कोशिश यहां पर, लेकिन टाइमिंग सही नहीं था यहां पर, गेंद सही था से बल्ले पे आई नहीं थी, एक रन से ही रोक पाएंगे जॉन्टी को आसानी के साथ, एक रन पूरा के, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। चले 9 ओवर का खेल पूरा हुआ, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन बने, 18 गेंदों का खेल बचा है, 18 गेंदों में अब 9 रन चाहिए यहां पर चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए महक चैलेंजर्स को। चलिए अच्छी बात यह होगी रामदेव काउंसिल के लिए, किसी ने सोचा नहीं था कि रामदेव काउंसिल फाइनल मैच खेलेगी, क्वार्टर फाइनल का रास्ता तय करेगी, क्वार्टर फाइनल रास्ते से सेमीफाइनल मैच में आएगी, लेकिन महक चैलेंज की जर्नी काफी बढ़िया थी, पहला मुकाबला हार चुकी लिंग मैच का, लेकिन 2 मैचों में जो वापसी की, पापा ने बेटे को हराया, उसके बाद जो चमक निकली यहां पर महक चैलेंज, कमाल की बात है, और सीधा फाइनल में पहुंची। कप्तान जैक को कहा था पहले ही मैच में कि सोमनाथ के सामने आप मैच आसानी के साथ जीत जाओगे। चलिए बेहतर शॉट खेला है, सीधा खेला है, गेंद ढूंढा है यहां पर लॉन्गर पे, ये हरकत में आए सर, गेंद को रोकने नाकाम रहे, गेंद कहीं भागने के बाहर, सुपर फॉक ले बचा, डेट्स अ बाउंड्री यहां पर। इस चौके के साथ टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ 83 के ऊपर 85 रन दूर यहां पर। चलिए क्या जॉन्टी धोनी स्टाइल में मैच को पूरा करेंगे, क्योंकि 5 रन चाहिए यहां पर जीतने के लिए, विजय शॉट लगाएंगे यहां से, शॉट ऑफ लेंथ गेंद है, शॉट खेला है, और चलिए वन बाउंस फोर रन, अभी भी 1 रन चाहिए यहां पर चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेंगे, सीजन 1 जीपीएल के चैंपियन ऑफ चैंपियन बने, 1 रन चाहिए यहां पर महेश चैलेंजर्स को, फैंटास्टिक फोर 1 रन दूर है यहां से, चलिए चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने के लिए। चलिए शॉट खेला है, गेंद हवा में है, और इसी 1 रन के साथ यहां पर चलिए चैंपियन ऑफ चैंपियन बनी है महेश चैलेंजर्स यहां से, व्हाट अ क्रिकेट।
જેટલા પણ મેન ઓફ ધ મેચ આપવાની બાકી હતી તમામ પ્લેયરોને તમામ ચેમ્પિયન રનર્સ અપ ટીમને નિવેદન કરે કે અહીંયા જલ્દી જલ્દી આવી આપણે જલ્દી જલ્દી પ્રેઝન્ટેશનની શરૂઆત કરીએ કે સમય ઘણો નીકળી ગયો છે અને કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર ચેમ્પિયન ટીમ મહેક ચેલેન્જર્સ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન હાર્ડ લક ટુડે ફોર રનર અપ ટીમ રામદેવ કાઉન્સિલ પ્લીઝ દરેક ટીમના પ્લેયર અને બધાને નમ્ર વિનંતી છે જલ્દી જલ્દી અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે ઉપસ્થિત થાય પ્લીઝ જલ્દીથી અહીંયા આવી જજો પ્લીઝ આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે જલ્દીથી અહીંયા ઉપસ્થિત થાય હેલો બધા પ્લેયર ફટાફટ આ બાજુ આવજો ટ્રોફી આપવાની છે લેટ થઈ ગયું છે બધા ફટાફટ આવી જાઓ ચાલો પહેલી મેચના મેન ઓફ ધ મેચ છે વિવેક ગજેરા જેને 45 રન બનાવ્યા સોમનાથ સ્પાર્ટન્સ અને બે વિકેટ લીધી હતી મેન ઓફ ધ મેચ એમને દાસ કાકા મેન ઓફ ધ મેચ ટ્રોફી આપશે વિવેક ગજેરા લક્ષ્મી ડાયમંડ વર્સિસ રામદેવ કાઉન્સિલ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી જેમાં રામદેવ કાઉન્સિલ જીત થઈ હતી તો એ મેચના મેન ઓફ ધ મેચ છે અખિલ રામદેવ કાઉન્સિલ મેન ઓફ ધ મેચ બીજી મેચના ટીજી મેચના મેન ઓફ ધ મેચની છે બલ્લી ટીજી મેચના મેન ઓફ ધ મેચ બલ્લી જાપર દાદી ઉપસ્થિત થાય મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી લેવા માટે ચોથી મેચના મેન ઓફ ધ મેચ છે વિશાલ ગજેરા જેમણે 50 રન બનાવ્યા હતા જેશર કિંગ ત્યાર પછીની મેચના